मेरे साथ साथ पढ़िएगा, हाँ सही हाँ है। हाँ, बी को हम लोग हाँ पढ़ते हैं बे, फिर पढ़ते बे हैं से, सी को हम लोग पढ़ते हैं से, डी से को हम से लोग पढ़ते हैं डे, डे 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 जी। डे ई को हम लोग पढ़ते हैं ए, ए ए ई को हम लोग ए ए पढ़ते हैं। अच्छा, एफ को हम लोग पढ़ते हैं एफ, एफ एफ एफ। एफ जी को हम लोग बोलते हैं गे, गे 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 जी। एच को हम लोग पढ़ते हैं हा हाँ हाँ हा आई को हम लोग पढ़ते हैं ई, ई ई सही है। और जे को हम लोग पढ़ते हैं यॉट, जे की जो साउंडिंग होती है वो जर्मन में यॉट होती है, यॉट यॉट यॉट। और के को हम लोग यॉट पढ़ते हैं का, का का के को हम लोग पढ़ते हैं का। एल को का हम लोग पढ़ते हैं एल, एल 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 जी। एल और एम को हम लोग पढ़ते हैं एम एम, एम एम सही है। और एन को हम लोग पढ़ते हैं एन, एन एन एन। रिपीट करें मेरे साथ, एन 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 जी। और ओ को हम लोग पढ़ते हैं ओ, ओ ओ जी ओ ओ। और पी को हम लोग पढ़ते हैं पे, पे, इसकी साउंडिंग पे से पे होती है, सही है। पे और क्यू को हम लोग पढ़ते हैं कू, कू कू जी, कू कू जी। और आर को हम लोग पढ़ते हैं एयर, एयर एयर। एयर और एस की साउंडिंग होती है एस, एस 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 सही है, एस होती है। और टी टी को हम लोग पढ़ते हैं टे, टे टे सही। टे और यू को हम लोग पढ़ते हैं ऊ, ऊ ऊ सही है। और वी, वी को हम पढ़ेंगे फाउ, फाउ। पाओ पाओ उसकी जो साउंडिंग थी वी, वो वी से शुरू, वे इस तरह से शुरू नहीं होगी, वो होगी फाउ सही है। पाओ पाओ और डब्ल्यू को हम लोग पढ़ेंगे वे वे जी। और एक्स को वे हम लोग पढ़ेंगे इक्स, एक्स इक्स सही एक्स है। और वाई हम लोग पढ़ेंगे इप्सिलॉन, एप्सिलॉन ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, सही है। अच्छा, जेड को हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन टी सेट, सेट, टी ये सेट टी साइलेंट है बस, ये जेड को हम लोग सेट इस तरह से हम लोग इसकी वो करते हैं, क्या कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन, सही है। अब ठीक इसको आप लोग कॉपी कर लें, ये पूरे मतलब अल्फाबेट्स को, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, सही है अर्षद साहब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जी। रिकॉर्डिंग चलिए। जी। अच्छा एक्सक्यूज मी ये टीचर, ये टी और डी इन दोनों की एक ही साउंड है नहीं, टे ये असल में इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप क्या कहते हैं, डी को ना डे डे डी पढ़ते हैं हम लोग, डे 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 ओके डे डे डी ए वाई, डे डी डे ए वाई डे ओके ओके। आप ये कॉपी कर लें, सबने कर लिया कर लिया। अच्छा, जी। मैं आप अब जर्मनी में ना क्या कहते हैं, जर्मन में तीन अल्फाबेट्स और होते हैं जो इसमें नहीं लिखे हो, मैं आपको नोट पैड अलग शेयर करके जो है उसमें दिखा रहा हूँ, या बल्कि एक मिनट रुक जाए, मैं इसी में ही दिखाता हूँ आपको। ये देखें आप, एक मिनट में इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, देखें जर्मनी में ना क्या कहते हैं, तीन अल्फाबेट्स और होते हैं स्पेशल, सही है, जिसको हम लोग, ये तीनों हैं आपके सामने आ गए, ये तीन नीचे वाले को अभी छोड़ दें, आप ये तीन ऊपर वाले जरा पढ़ के बताएं मुझे क्या लिखा हुआ है। उमलाउट, उमलाउट थ्री स्पेशल अल्फाबेट्स ये स्पेशल अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे ये तीन में होते हैं, जैसे ए उमलाउट,
ओमलॉट और यू ओमलॉट, सही है। इस इनको ओमलॉट भी क्या कहते हैं, पढ़ा किस तरह जाता है, जैसे ये ए ओमलॉट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ए, थोड़ा सा ए खींच के पढ़ेंगे ए ए ए ए ए ए। ए और इसका जैसे आगे मैंने क्या कहते हैं वो कैप भी लिखी हुई है। अब जैसे वर्ड लिखा हुआ है हमारे सामने ए ओमलॉट, और ये पूरा जो लिखा हुआ है, अगर ये सिर्फ ए से स्टार्ट होता तो हम इसको पढ़ते हैं आर्गन, लेकिन ये ए ओमलॉट से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एयरगन, एयरगन, एयरगन एयरगन। ये नीचे लिखा हुआ भी है एयरगन, इसका मतलब होता है टू गेट एयरगन एंग्री, गुस्सा होना, सही है। और अच्छा दूसरा है ओमलॉट, इसको पढ़ते हैं ऊ ऊ, थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे ऊ जैसे ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ, सही है। जैसे आप आगे ऊ लिखा हुआ है म्योगेन, तो इसमें भी हम लोग थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे, लिखा हुआ म्यूगन है म्योगेन म्योगेन म्यूगन म्योगेन, इसका मतलब होता है टू म्यूगन लाइफ, सही है, समझ आ रहा है। और जी तीसरा हमारे पास क्या कहते हैं अल्फाबेट है यू उमलॉट। अच्छा, इसको हम लोग पढ़ते हैं यू यू, थोड़ा सा ना मतलब उसमें आ जाता है ये यू 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 यू, सही है। जी और इसका मैंने आगे वर्ब लिखा हुआ है युगम युगम युवंग युगम, हमने यू को युवंग वहां पर हमने पढ़ा था ना, क्या कहते हैं ओ कहते हैं ऊ, तो युगम इसका मतलब होता है युवंग प्रैक्टिस, समझ आई। सही चलिए ये भी कॉपी कर ले आप, फिर हम लोग आगे करते हैं। कर लिया कॉपी सबने, जी कर दिए सबने कर लिया। अच्छा, जो जी जी मतलब काम कुछ बैठे हैं उनको भी जरा बता दें कि लिख लिया सबने या नहीं, हाँ जी सब सबने लिख दिया जी नोट कर लिया। नोट कर लिया। अच्छा, जी एक नोट चीज कर और लिए लिखिएगा, ये जो मैंने ये यहाँ पर लिखा हुआ है बीटा का साइन जो ये आ रहा है, ये असल में जर्मनी में आप जहां भी इसको लिखा हुआ देखें, इसका मतलब आप समझ लें डबल एस लिखा हुआ है। जहां भी डबल एस लिखा हो आप, ये एक ही बात होती है, आप डबल एस लिखो या फिर बीटा का साइन लगाओ, होते मतलब ये एस ही है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हाइजन, नीचे आप ये पढ़े तो ये ऊपर नीचे दोनों मतलब ये एक ही वो होंगे, इसका कुछ वो नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। कहीं आप ये साइन देख ले तो आप बोले कि ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये साइन भी अक्सर इस्तेमाल किया जाता है जर्मन में, समझे। सही चले कॉपी कर लिया जी हाइजन जी। इसका हाइजन, साउंड कैसे साउंड कैसा होगा हाइजन इसका एस से ही होगा, हाइजन अच्छा हाइजन अच्छा डबल एस, समझे। ओके चले अब मैं आपको थोड़ी सी क्या कहते हैं साउंडिंग्स बता देता हूँ, 2 मिनट दिएगा जरा, मैं स्क्रीन वो लगाता हूँ। अच्छा, देखें एक बात सुने, ये कुछ रूल्स हैं जर्मन अल्फाबेट्स में, जैसे मतलब ये कुछ रूल्स हैं, ये जरा आप समझिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीज है, सही है ना, ये समझ लें जरा आप लोग। हेलो जी 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 सुन रहे, ठीक आवाज आ है रही है ना। चलें, जी जी अच्छा बिल्कुल देखें, अगर सर आप कहीं देखें एस लिखा हुआ है और एस के साथ क्या कहते हैं वॉवल्स आ रहे हैं, वॉवल्स आ रहे हैं, जैसे कि ए ई आई ओ यू कुछ भी आ रहा हो, तो वो जेड साउंड करेगा, क्या साउंड करेगा, हेलो, जेड साउंड, ओके फिर वो जेड साउंड। अब जैसे आगे लिखा हुआ है मैंने ये वर्ब लिखा हुआ है, इसका जरा पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ है।
हेलो जीबन जी, ये नहीं जीबन एच लिखा हुआ है, जहन सही बोला आपने, जहन जहन। क्यों, वैसे तो ये सहन बोलेंगे लेकिन एस के साथ मैंने आपको बताया वोवल्स आ जहन रहा है जहन तो ये जहन जेड साउंड करेगा, समझे? सही सही है, तो ये इसको हम लोग जेड प्रोनाउंस करेंगे, ये आगे लिखा हुआ जहन, लेकिन ये लिखा इसी मतलब तरह एस जाएगा के साथ बस। जो एस के जी साथ वॉवल है जी मतलब एस के साथ जो भी वोवल्स आता है वो जेड साउंड करेगा। वो जेड साउंड करेगा, और एस के साथ ए आ रहा है तो वो जा हो जाएगा, लेकिन अगर कोई और वर्ड आ रहा है जैसे मिसाल के तौर पे कुछ भी आ जाता है, एस स्पीलन कर लगा, जैसे स्पीलन मतलब टू प्ले होता है, तो वो हम लोग स्पीलन ही बोलेंगे, समझे? वो फिर सही नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन अगर कोई वॉवल्स आ जाता है तो उसको जेड साउंड करेंगे। सही है। अच्छा, जे जो है जर्मनी में वो वाई की तरह प्रोनाउंस होता है, जैसे हम लोग कुछ भी बोलेंगे ना या, तो हम लोग ये जे लिख वो जे ए लिखा हुआ है, यस, तो ये हम लोग या बोलेंगे, या वाई की तरह प्रोनाउंस करेगा वो होगा जे। अच्छा, अब आप लोग पहले देख रहे थे क्या कहते हैं अल्फाबेट्स में, मैंने आपको पढ़ाया वाई के ऊपर इप्सिलॉन लिखा था, तो वो क्यों होता है वो मालूम है आपको? जी हेलो, जी वाई वाई का इस्तेमाल नहीं, नहीं नहीं। है जर्मन में। क्योंकि जर्मन जी एग्जैक्टली जर्मनी में क्या कहते हैं, जर्मन लैंग्वेज में वाई का जो है वो वाई एग्जिस्ट ही नहीं करता जर्मनी में ना, मतलब इसलिए वाई की सही जो क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन है वो जे ले गया, तो जे को ही ना हम लोग जैसे पश्तो में या शीन शीन एग्जिस्ट नहीं करती। जी, अलग अलग लैंग्वेज में जैसे अरबी में पे नहीं करती एग्जिस्ट, वैसी जर्मन में क्या कहते हैं वाई एग्जिस्ट नहीं करता, और वाई की जो साउंडिंग है वो जे के पास है, तो जो भी जे का जे से शुरुआत होता हुआ वर्ड होगा तो वो वाई से मतलब निकला जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ है जे ए मतलब यस होता है इसका, तो इसको हम पढ़ेंगे या, ये लिखा हुआ है या योगर्ट तो इसको हम लोग पढ़ेंगे यू गुड, यू गुड यू गुड योगर्ट, समझे? यो गुड, ये समझ आ गई सबको? जी जी चले, अब तीसरी तीसरा रूल ये है कि अगर जैसे कहीं आप देखें सी एच लिखा हुआ है, सी एच से पहले अगर जैसे ए ओ और यू लिखा हुआ है तो वो खेन साउंड करेगा, क्या साउंड करेगा? खे, साउंड ए है ओ यू लिखा हुआ है किसी भी वर्ड में सी एच से, या किसी भी वर्ड में सी एच से पहले तो वो खे साउंड करेगा, जैसे अब ये लिखा हुआ है स्प्राखेन, सी एच से पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे राखेन ए, तो यहाँ पर आएगा खे, ए खे, खे का साउंड करेगा, इसका मतलब होता है टू स्पीक। सही है, एक मिनट, राखेन ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, स्प्राखन का मतलब होता है लैंग्वेज और एक्सप्रेशन का मतलब होता है टू स्पीक। सही है, वो थोड़ा ये तो अभी खैर बात की बात है, मैं आपको अभी सिर्फ वो पढ़ा रहा हूँ, जैसा अगर सी एच से पहले ए आ गया तो उसका मतलब होगा खे, और जैसे नीचे लिखा हो कोई भी वर्ड आ रहा हो मतलब ए ओ यू को छोड़ के सी एच से पहले कुछ भी वर्ड आ रहा हो तो वो शीन साउंड करेगा, सी एच को शीन पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एक्सप्रेशन, बिल्कुल ऐसी। अभी और भी है, मैं आपको दूसरा वो दिखा देता हूँ, पहले ये बताएं समझ आ गया, जी आगे ये कॉपी कर लीजिए। रेशन तो जब कॉपी कर लें तो मुझे जरा सब लोग बता दिया कर रहे हैं कि मतलब हो गया, हाँ जी हो गए सबका हो गया, जी हो गए हाँ जी हो गए सही है, मैं दूसरा बोला। बता दें,
अच्छा जरा देखिएगा जरा सब लोग। हेलो जी 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 अभी मैंने आपको पढ़ाया, ऐसी और भी होते हैं, मतलब ये सारे लिखे हैं, मैं आपको ये समझाता हूँ। इसको भी जैसे अब आप इसको मैक्सिमाइज कर लें, एक मिनट, सही है अब? ठीक है अभी सही है, सही है ना? अच्छा अब आप देखें ऐसी, जैसे मैंने आपको भी पढ़ाया क्या कहते हैं साउंडिंग्स जो मैंने अभी आपको पढ़ाई, ऐसी और भी होती है, जैसे मतलब एस के साथ ये लग जाना वो लग जाना। अब मैं आपको बताता हूँ, अब आप किसी भी वर्ड में देखें ई और आई लगा हुआ, क्या ई पहले लगा हो और आई बाद में लगा हो, तो प्रोनाउंस आई करेगा, क्या करेगा? आई आई आई। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है द्राई, क्या लिखा हुआ है? द्राई 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 द्राई, इसका मतलब होता है थ्री। अब ये ई पहले लिखा हुआ है, आई बाद में लिखा हुआ है, तो इसको साउंड पढ़ेंगे आई। अब नीचे देखें, आई पहले आ गया और ई बाद में आ गया ना, तो फिर क्या करेंगे बताएं, फिर क्या पढ़ेंगे? ई ई, शाबाश, फिर इसको पढ़ेंगे ई। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये बताएं क्या लिखा हुआ है? लीगेन लीगेन बिल्कुल लीगेन लीगेन लीगेन। ये चीज याद रख लें कि ई और आई में अगर ई पहले आ रहा हो और आई बाद में आ रहा हो तो उसको हम प्रोनाउंस करेंगे आई, लेकिन अगर आई पहले आ रहा हो और ई बाद में आ रहा हो तो उसको हम प्रोनाउंस करेंगे ई, लीगेन। इसका मतलब होता है टू पुट, सही है? सही है। और अगर ये एक मिनट, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ना क्या कहते हैं टाइम वो हो रहा है, तो कोई मीटिंग बना लीजिएगा। चलें अब तीसरा लिखा हुआ है ए यू, क्या लिखा हुआ है? ए यू ए यू, इसको हम लोग पढ़ेंगे आओ आओ आओ, क्या पढ़ेंगे? आओ आओ आओ। जैसे ये लिखा हुआ है पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ है? आओ 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 आओ, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सी एच से पहले ए ओ यू, मैंने आपको बताया था ए ओ यू लगता है तो फिर वो खे साउंड करने लगता है, और कुछ और होता है तो शे साउंड करता है, ऐसे ही बताया था मैंने। जी जी जी, तो ये हो जाएगा आओ, इसका मतलब होता है ऑल्सो। और कोई भी वर्ड्स में क्या कहते हैं ई यू आ रहा हो या ई यू से शुरू हो रहा हो तो उसको हम लोग पढ़ेंगे ओए, क्या पढ़ेंगे? ओए ओए जी, ई यू मतलब ओए, तो इसको ये लिखा हुआ इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? ओए रो ओए रोपा ओए रोपा बोलते हैं ओए रोपा ओए रोपा जी ओए रोपा। और ये है टी आई ओ एन। अब आप ये किसी भी वर्ड के आखिर में यहाँ पर कहीं भी टी आई ओ एन लिखा हुआ आपको नजर आए तो इसको हम पढ़ते हैं सियोन, क्या पढ़ते हैं? सियोन सियोन। अब जैसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अक्सियोन, क्या लिखा हुआ है? अक्सियोन अक्सियोन अक्सियोन, इसका मतलब होता है एक्शन। अच्छा ये एक्सियोन पढ़ेंगे या अक्सियोन पढ़ेंगे? अक्सियोन, क्योंकि ए आपको मैंने अभी अल्फाबेट्स में पढ़ाया, आप लोग इसको जरा अल्फाबेट्स को भी दोबारा पढ़िएगा, अल्फाबेट्स में ए को आ पढ़ते तो पढ़ेंगे अक्सियोन 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 जी। समझ आई सबको? ये के जो है ना खे वाला साउंड करेगा, के जो है के ही करेगा वो, बस यहाँ ऐसी लिखा हुआ है थोड़ा मैंने समझने के लिए कि अक्सियोन इस तरह मतलब मुंह से निकल रहा है, लेकिन ये अक्सियोन ही पढ़ेगा। सही है अक्सियोन, सही है ठीक है। अब देखें ये नीचे लिखा हुआ है आई जी, अब ये आई जी ज्यादातर क्या कहते हैं वर्ड्स के आखिर में लिखा हुआ होता है, सही है? तो अब ये भी आखिर में लिखा होता है तो क्या कहते हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं शीन का साउंड, इश इश, समझे? तो अब जैसे लिखा है हम पढ़ेंगे इसको फेयरसिश, जिग नहीं पढ़ेंगे, इश नहीं पढ़ेंगे, इसको फेयरसिश पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फेयरसिश। ये वी लिखा हुआ है, मैंने आपको वी बताया था, फाउ, वी को हम लोग फाउ कहते हैं, फाउ मतलब फे से साउंड करता है, तो इसलिए ये हम पढ़ेंगे फेयरसिश, इसका मतलब होता है 40, क्या पढ़ेंगे इसको? फेयरसिश फेयरसिश जी।
अब कोई भी वर्ड जो है क्या कहते हैं एस सी एच से शुरू होगा तो उसको हम लोग शीन से पढ़ेंगे, शे किससे शे पढ़ेंगे, शे शे से, तो ये हो जाएगा श्राइबन, राइबन, श्राइबन। राइबन। देखें बीच में आई ई भी आ रहा है, वो ई आई, सॉरी ई आई आ रहा है, मैंने क्या बताया था यहाँ पर, हाँ 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 ये आई जो है ना वो आई का, वो आई किस, आई साउंड आई का का, पढ़ता है। जैसे श्राइबन, मिसाली तौर पे यहाँ पर श्राइबन। आई पहले आया था और ई लिखता तो उसको श्री बहन बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा है नहीं। तो हम लोग क्या कहते हैं, जो मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन पढ़ाई है उसी तरह से पढ़ेंगे, श्राई बहन। क्या पढ़ेंगे श्राइबन, जी, इसको इसका मतलब होता है टू राइट। आप ये कॉपी कर लें फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जब हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा मुनीब भाई ये बताएं कि आपने ये जो A1 A2 और B1 ये सर्टिफिकेट, आप सर्टिफाइड हैं? जी, मैंने A1 A2 पढ़ा हुआ है, B1 भी मेरा ऑलमोस्ट हो गया, लास्ट पर है। अच्छा अच्छा मैं A1 A2 पढ़ चुका हूँ, सर्टिफाइड हूँ, मैंने अरे सर वाह, मयूर से ठीक ही पढ़ा है। हो गया। तो A1 के लिए आप बताएं हम कितनी मेहनत करें और कितना मतलब है वो इस क्लास के अलावा। देखें मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, A1 में आप एक चीज देख लें, मैं भी करता आ रहा हूँ उसमें ना, मतलब फायदा मेरे लिए भी बहुत हुआ है, तो मैं आप सबको भी बोलना चाहूंगा कि मतलब जो मैं होमवर्क दूँ ना आपको, वो होमवर्क कभी ना मिस नहीं करिएगा। मैं ठीक है, असल में सही है। शुरू में मतलब मैंने भी जब बिल्कुल ही मैंने जब स्टार्टिंग लिया था, मैं भी इसको बहुत हल्के में ले रहा था, फिर आगे जाके मेरे लिए ही मतलब मुश्किल खड़ी हो रही थी, लेकिन फिर मैंने जब होमवर्क होते हैं मतलब डेली आप इसकी प्रैक्टिस में रहते हो ना, तो मतलब आपके दिमाग में ना मतलब रनिंग में रहता है सब कुछ इस हवाले से, तो फिर आपका मतलब सब कुछ सही रहता है। लेकिन अगर आप कुछ मतलब मिस करेंगे जो मैं दे रहा हूँ होमवर्क और वो आप नहीं कर रहे हैं, तो इसमें नुकसान आपका ही होगा, सही इसलिए है, बस यही चीज मैं आपको बोल सकता हूँ। सही है सही है, सही है। कोई मटेरियल वगैरह देंगे आप, कोई बुक्स वगैरह? जी, वो जब मैं बुक्स बुक स्टार्ट करूंगा तो मैं आप सबको मतलब PDF दूंगा बुक्स का, जो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब फिर उससे हम लोग पढ़ाई करेंगे। अभी तो आप लोगों को मैं जरा अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद ग्रामेटिक पढ़ाऊंगा, कुछ छोटी मोटी चीजें, फिर हम लोग इंशाल्लाह बुक स्टार्ट करेंगे। ठीक ठीक, और है, चलें, हो पेपर गया यार मेरा, निकल गया। ठीक है। पेपर एक्सक्यूज मी, पेपर जो है ना वो 2 और 3 मंथ में तैयारी हो जाती है इसकी, A1 की A1 की जी इंशाल्लाह बिल्कुल हो जाती है, हो जाती है। 2 मंथ हो जाती है जी। चलें, तो ये पेपर कहाँ देते हैं, ऑनलाइन देते हैं या कोई इंस्टीट्यूट में जाके ऑनलाइन देना? नहीं है, गोएथे इंस्टीट्यूट है ये अपना, क्या कहते हैं, क्लिप्टन में गोएथे, वहीं पे जाके क्या कहते हैं टेस्ट देते हैं। और अच्छा, इसका रिटर्न होता है कि नहीं, स्पीक वगैरह मतलब ये किस तरह होता है? चार किस्म के होते हैं, ये लेजन, श्राइबन और क्या कहते हैं अपना यूरिन और क्या कहते हैं एक्सप्रेशन, ये चार होते हैं, लर्निंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये चार होते हैं। अच्छा, अब आप सही। ये चारों टेस्ट देने होते हैं गोइते जाके, वो फिर वहां पे होता है। खैर ये तो अभी आपका भी पहले ये हो तो जाए, पहले यही है। अभी सही है, सही है, ये लिख लिया है मैं सब, ये लिख ठीक लिया, है, थैंक यू। अच्छा ये मीटिंग का टाइम ना एंड होने वाला है, तो कोई मतलब न्यू मीटिंग क्रिएट करे और ना व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है ना उस पे सेंड कर दें, फिर हम लोग सब ज्वाइन कर लेंगे उस पे। सही है, चले यासीन आप कर लें, मैं कर लेता हूँ, आप करें। चले सही है मैं ही कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। वैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या कहते हैं अक्सर ऐसा होता है कि मीटिंग नहीं बनती, तो जैसे मतलब दोबारा ना, तो अगर जैसे नहीं हुआ ना मैं ग्रुप पर टैक्स कर दूंगा, आप लोग बना दीजिए। सही है, हेलो, ठीक, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है मैं।